जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक स्पेशल टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में 3 पेनी स्टॉक जो हैं वो मिले हैं। कौन से वो 3 पेनी स्टॉक्स हैं, क्या उनका फॉरकास्ट है, क्या उनका जो है फ्यूचर हमें दिखाई देता है और क्या फाइनेंशियल्स हमें उन स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जो है वो बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आप लोगों को टिकर टेप का जो है एनालिसिस काफ़ी पसंद आ रहा है, तो उन तीनों स्टॉक्स को हम लोग टिकर टेप में डालेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या रिज़ल्ट हमारे सामने निकल के आता है। फंडामेंटली कंपनीज़ क्या सही में स्ट्रॉन्ग हैं और आप लोगों को कौन से लेवल्स पर होल्ड करनी चाहिए और इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और यार, फॉरेक्स ट्रेडिंग की वीडियो थोड़ी डिले हो गई क्योंकि अभी मैं ऑक्टा एफएक्स की फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी खुद अभी जो है ऑक्टा एफएक्स की जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। अभी सारे विड्रॉल और डिपॉजिट प्रोसेसेस वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, तो इससे रिलेटेड भी अगर आपको वीडियो चाहिए आगे आने वाले दिनों में, वैसे मैं बनाने वाला ही हूँ, तो यार ज़रूर बताना। तो चलो यार, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हमारे सामने निकल के आए हैं जो राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में है, इस बारे में वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो हमारे सामने निकल के आया है वो है डीबी रियलिटी। अब डीबी रियलिटी को अगर हमने टिकर टेप में डाला तो एक इंटरेस्टिंग, पहले तो इसका प्राइस पैटर्न अगर आप देखें तो 400 रुपये के आसपास इसके हाई थे 2010 में, जब आपको पता होगा रियल इस्टेट बहुत पीक पे था, डीएलएफ भी 1000 से ऊपर हुआ करता था 1200 के आसपास, तो उस टाइम पे ये स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे होता था। अगर आप रिटर्न्स की बात करें पिछले टॉप से लेकर लो तक, लो इसका 3 रुपये के आसपास हमें देखने को मिला था जो लास्ट ईयर हमें क्रैश में जो है मिला था, तो उन क्रैश के अगर आप लोज से बात करें तो आपको ये कम से कम 8 गुना रिटर्न दे चुका है जिसने उन लोज के आसपास जो है बाई किया था। दूसरी चीज़, अगर आप फंडामेंटली देखें, पहले तो एक कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 604 करोड़ का है, ठीक है। जो रिस्क है इसका मॉडरेट रिस्क स्टॉक है, रियल इस्टेट सेक्टर का है। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग में एक तो राकेश झुनझुनवाला जी की भी इसमें काफ़ी अच्छी होल्डिंग सामने निकल के आती है। दूसरी चीज़, एक जो इसका नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने है वो है हाई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, मतलब जितने भी प्रमोटर्स ने होल्डिंग करी हुई है वो शेयर्स की प्लेजिंग करी हुई है, मतलब जो प्रमोटर्स हैं उनको अपने शेयर के ऊपर खुद ही भरोसा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियल्स में बात करें, फाइनेंशियल्स अगर मैं स्टॉक के देखता हूँ तो आपको जो रिवेन्यू है उसमें वापस मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। 2020 में जो रिवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिली थी, जो लास्ट क्वार्टर आया है उसकी वजह से रिजल्ट्स में काफ़ी अच्छा रिवेन्यू में रिबाउंड हमें मिला है। 2018 लेवल्स पे पहुंच चुका है रिबाउंड। एबिटा की बात करें तो अभी भी हमें 2019 लेवल्स पर है, कोविड के बाद भी ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब इसमें किस चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ड्यूटी हटाई थी उससे जो रियलिटी सेक्टर के जो स्टे जो कंपनीज़ हैं और स्पेशली जो महाराष्ट्र बेस्ड कंपनीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला है। EPS अभी भी ख़राब है, नेट इनकम अभी भी ख़राब है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है। तो अगर किसी को ये परचेज़ करना है तो रेकमेंडेड मेरे हिसाब से तो भाई जस्ट बिकॉज़ राकेश झुनझुनवाला जी के पास है आपको ये देख के परचेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चक्कर में परचेज़ करके फंसे होते हैं। अगर मैं आपको इसका हिस्टोरिकल चार्ट दिखाऊं ना यहाँ पे, तो देखिए कितने सालों से इसने कोई रिटर्न ही नहीं दिया। 50-60 रुपये तक ये नीचे जाता जा रहा था और उसके बाद बीच में एक पीक आया जब 71 तक गया, मगर उसके बाद ये दोबारा डिक्लाइन शुरू हो गया। तो जस्ट बिकॉज उन्होंने लिया है, उन्होंने क्या सोच के लिया है, क्या ग्रोथ देख के लिया है, उनकी अलग बात है, आपको कितना लेना है ये आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको स्टॉक बताना, बाकी जो मेरे को चार्ट दिख रहा है कुछ खास एक ब्रेकआउट्स नहीं दिख रहे हैं मेरे को अभी होते हुए चार्ट के ऊपर। अगर ये 27 रुपये का लेवल तोड़ेगा देन मैं कह सकता हूँ कि इसमें आपको थोड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, तब तक ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। दूसरा स्टॉक जो हमारे सामने आया है जो राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में है, केवल 24 रुपये का है और इस स्टॉक का नाम है GMR इंफ्रा। तो एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस करी होगी, जो जितने भी पेनी स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी के,
वो या तो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनीज हैं या फिर रियल इस्टेट बेस्ड कंपनीज हैं। तो अगर आप वैसे देखें तो उनका इस वक्त जैसा उन्होंने निफ्टी का टारगेट दिया है 30,000, अब खैर वो आएगा नहीं आएगा ये तो अलग बात है, मगर उनका इस वक्त फोकस सारा इस वक्त रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनीज़ पर है, जहाँ पे वो बड़ा दाव लगा सकते हैं, बड़ा दाव लगा रहे हैं और उनके हिसाब से वो मल्टी बैगर हो सकती हैं। अगर आप हिस्ट्री देखें जीएमआर इंफ्रा की, तो 120 रुपये का ये स्टॉक हुआ करता था 2008 क्राइसिस से पहले, उसमें ज़बरदस्त इसकी धुलाई हुई है, 20 रुपये का रह गया, उसके बाद दोबारा ये 80 का गया, फिर 10-11 में जो सेकंड वेव आई थी क्रैश की, उसमें ये दोबारा नीचे की साइड गया और उसके बाद ये कभी उठ नहीं पाया। जो लोज इसने बनाए थे वो क्रैश के टाइम लास्ट ईयर अगर आप बोलें तो 8-10 रुपये के आसपास हमें ये मिल रहा था, तो उसमें हमें ज़्यादा रिटर्न इसमें देखने को नहीं मिला है, केवल डबल हुआ है ये स्टॉक। फाइनेंशियली अगर आप बात करें, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फाइनेंशियली अगर आप देखें तो 2020 में एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखें तो इनका जो रिजल्ट है, रेवेन्यू है, वो 2019 से बेटर आया है। एबिटा में ज़बरदस्त उछाल देखने को हमें मिला है, नेट इनकम में जो लॉस है इनका लॉस ज़बरदस्त कम होता हुआ दिखा है, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं, और स्पेशली तब जब लास्ट ईयर हमें बहुत ज़्यादा कंपनीज के लिए दिक्कत होती हुई दिखाई दी थी। तो गवर्नमेंट का जो कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग को लेकर जो पुश है, उस वजह से इस कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग्स की इसमें बात करते हैं तो प्लेज्ड होल्डिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, मगर एक पॉजिटिव चीज़ इसमें क्या है कि जीएमआर इंफ्रा में 22% 21.5% के आसपास एफआईआई होल्डिंग है, जो कि आपको इस टाइप के पेनी स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है। तो ये एक और स्टॉक सामने निकल के आया है। जो तीसरा स्टॉक हमारे राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में निकल के आया है वो है केवल 30 रुपये का, और उस स्टॉक का नाम है TV18 ब्रॉडकास्ट। अब खैर इस स्टॉक के बारे में तो हम भी बात कर चुके हैं, अगर आप इसका हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं तो 2000 वही क्राइसिस से पहले ये 200 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, क्राइसिस में ये 50 का हो गया, और उसके बाद भी इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है, कोई इसमें बढ़त देखने को हमें दिखाई नहीं दी है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप के अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप इनका ज़बरदस्त है, पी रेशियो केवल 20 का है। तो अगर आप देखें तो ये सारे चैनल्स इसके इनके अंडर आते हैं, जो ब्रांड है, डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी लो है, क्वालिटी चेक सेटिस्फैक्ट्री है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और बहुत पॉजिटिव आप बोल सकते हैं। जो प्राइस फोरकास्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से किया जा रहा है इस स्टॉक को लेकर, वो मार्च तक अगर आप बोलें तो 18 से 20% तक के रिटर्न्स की बात करी जा रही है, और लोअर साइड पे भी लगभग 2.5% रिटर्न, मतलब डाउन साइड इसकी नहीं देखी जा रही है इस लेवल से, पहली चीज़। फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो फाइनेंशियल्स हैं वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़े हैं, स्पेशली अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2019 में जो बढ़त देखी गई थी वो 2020 में भी इन्होंने बरकरार रखी है। एबिटा में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आया है, नेट इनकम में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आया है, ईपीएस में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आया है, तो रिजल्ट्स ज़बरदस्त और धमाकेदार हमें आते हुए दिखाई दिए हैं। होल्डिंग्स की अगर आप बात करें तो लोअर प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग है, आई थिंक अगर हम राकेश झुंझुनवाला जी के जितना भी पोर्टफोलियो देखे हैं उनमें पेनी स्टॉक्स में, उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक हमें देखने को मिला है। प्रमोटर होल्डिंग 60% है, एफआईआई होल्डिंग लगभग 12% है, तो बहुत बढ़िया आपको फाइनेंशियल और फंडामेंटल लेवल्स जो हैं इसमें देखने को दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों जी हाँ, यही थे 3 पेनी स्टॉक्स जो आप राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में पाएंगे। इनमें से अगर आपको कोई स्टॉक्स पसंद था तो आता हो या आपने पर्सनली बाय किया हो, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, और आपका कोई पर्सनल स्टॉक हो जिसके बारे में आप एनालिसिस करवाना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।